गुड मॉर्निंग, असम आदित्य के मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। कामपुर कसुआ के लूटूमारी में रसोईया संघ का जोरदार विरोध प्रदर्शन। 10 स्कूलों के रसोइयों ने अपनी विभिन्न मांगों के साथ ये विरोध प्रदर्शित किया। कामपुर कसुआ लूटूमारी में रसोईया संघ ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। 10 स्कूलों के रसोइयों ने स्कूल के मिड डे मील से जुड़े रसोइयों की हक की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शित किया। विरोध कर रहे रसोइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए माहौल में हलचल पैदा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। गौरतलब है कि सन 2005 में स्कूली रसोइयाओं के रूप में नियुक्त किए गए ये पुरुष महिलाएं कम तनख्वाह के साथ काम कर रहे हैं। कई बार रसोइयों ने सरकार से तनख्वाह बढ़ाने की मांग भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं होने पर गंभीर समस्याओं के बीच इन्हें अपना दिन बिताना पड़ रहा है। इसलिए इन सब ने अगले मार्च महीने तक उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की। আমার মানে আজি 2022 চনতে আমি রাজধানী সন্থায় মানে হেৰি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাম কৰি আহিছিলোঁ। 2015 মানে 2005 চনতে আমাৰ রাজধানী সন্থা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু রাজধানী মধ্যাহ্ন ভোজন আমি কাম কৰি আহিছিলোঁ। কোনো মানে সাল সলনি হোৱা নাই, মানে আমাক চৰকাৰে কিবা এটা মাননি দিছে, সেই মাননিটো মানে আমাক ক'বলৈ বৰ লাজ লাগে। মানে আমাৰ লগৰ সমনীয়াই সোধে তুমি কি কৰা, বে মই মধ্যাহ্ন ভোজনত কিবা এটা কাম কৰোঁ, কিমান পোৱা মাননি বোলে, কিবা এটা পাওঁ আৰু ক'বলৈ বৰ লাজ লাগে। কামপুৰ চে ৰূপজ্যোতি ভূঞা কি ৰিপৰ্ট, असम आदित्य। करते हैं अगली खबर की ओर। पत्रकारों की सुरक्षा एवं सुरक्षा की मांग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार स्नेहा कर चक्रवर्ती का साइकिल यात्रा जारी है। पत्रकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार स्नेहा कर चक्रवर्ती ने साइकिल यात्रा जारी रखी है। चक्रवर्ती ने कहा कि ये यात्रा पूरे असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के पत्रकारों से बातचीत कर पत्रकारों की सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा के बारे में पत्रकारों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास है। पत्रकार चक्रवर्ती विश्वनाथ जिले से अपने 4 साथियों के साथ शाम 6 बजे के आसपास बंदरदेवा पहुंचे थे। रिपीट, शाम 6 बजे के आसपास बंदरदेवा पहुंचे थे। बंदरदेवा प्रेस क्लब और हारमती क्षेत्रीय छात्र संघ की ओर से बंदरदेवा में पत्रकार चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। पत्रकारों की रक्षा और न्याय हासिल करने के लिए पिछले 11 वर्षों से अखिल असम वार्ताजीवी संघ ने किए लड़ाई के लिए पेंशन, सरकारी लाइसेंस मिलने के अलावा असम सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के हित में पत्रकारों के लिए कुछ काम करने के लिए मजबूर हुई है। আমাক বাটত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে বাটত ওলাই আহোঁতে বাটৰ বন্ধু অনেক থাকে। তো সেই ক্ষেত্ৰত মই কওঁ আমাৰ অসমৰ যিমান দল সংগঠন আছে সকলো দল সংগঠনৰ পৰা বিশেষকৈ আছু, AJYCP আৰু এতিয়া এই আমাৰ নেপালী যুৱ যিটো সংগঠন আছে গোৰ্খা ছাত্ৰ সংগঠনটো, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও আমি যথেষ্ট সহযোগ পাইছোঁ। কাৰণ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আমাৰ লগত মোৰ লগত আৰু এটা টীম আহিছে, তেওঁলোক আহি আছে, তেওঁলোককো সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰা হৈছে আৰু সকলো অঞ্চলৰ এই ধৰক ইয়াতে ইমানখিনি মানুহ গোট খাইছে। গতিকে আপোনালোকক কিবা কাৰণত ধৰক আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আপোনালোকক যদি লগ নাপালোহেঁতেন। নাৰায়ণপুৰ চে জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকা কি ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। অভি কে লিয়ে বাস ইতনা হি, দেখতে ৰহিয়ে অসম আদিত্য, নমস্কাৰ।